किया सल्टस, हाँ इस कार का असली मुकाबला किसके साथ है? क्या ये हेक्टर के कंपिजन की कार है, हैरियर कंपास के कंपिजन की कार है, या यह किक्स और क्रेटा के कंपिजन की कार है? अगर आपको ऐसे ही कंफ्यूजन है तो बने रहिए मेरे साथ, मैं हूँ आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु। अगर आपने किया सल्टस का वीडियो मिस कर दिया है जिसमें मैंने कार दिखाई है तो प्लीज ऊपर बटन पे क्लिक करके देख लें, क्योंकि आप लोग अक्सर कहते हो भाई कार दिखाओ, तो कार वहां देख लो, यहां नॉलेज कि एक्चुअल में कंपिजन किसके साथ है। पहले किया सल्टस को समझते हैं और किया को समझते हैं। किया वर्ल्ड की 8वीं सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, और 8वीं बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होने का मतलब आप जानते हो वर्ल्ड में बहुत सारी कारें बेचती है अलग अलग कंट्रीज में। यह बेसिकली साउथ कोरिया की कंपनी है जो सारी दुनिया में छाई हुई है। इंडिया में हम लोग इसे हुंडई के फैमिली की कंपनी कहते हैं। हाँ ये बात सच है कि किया में थोड़ा सा मार्केट शेयर हुंडई का भी है, और यही वजह है कि आपको किया और हुंडई के प्रोडक्ट में अक्सर कुछ समानताएं दिख जाती हैं, इंजन हो, प्लेटफॉर्म हो या फिर गियरबॉक्स, और यही वजह है कि अक्सर लोग इसे बोलचाल की भाषा में हुंडई की सिस्टर कंसर्न कह देते हैं, जबकि एक्चुअल में यह दोनों अलग अलग कंपनी है और अलग अलग ही काम करती हैं। इवन फैक्ट्री भी अलग अलग है, जहां हुंडई की फैक्ट्री चेन्नई के पास है वहीं पर किया मोटर्स की फैक्ट्री तेलंगाना, और यही वजह है कि इन दोनों के बीच में कोई एक्चुअल समानता नहीं है, इवन स्टाफ भी बिल्कुल मैच नहीं करता है। किया मोटर्स सेल्टस को पहली बार लेके आ रही है। हाँ इससे पहले दुनिया में किसी भी कंट्री में इसको लॉन्च नहीं किया गया था, और इसे एसपी कॉन्सेप्ट के थ्रू इंडिया में दिखाया गया था ऑटो एक्सपो 2018 में। तो ऑटो एक्सपो 2018 की अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर सर्च कर लीजिए, मिल जाएंगे आपको, तब यह दिखाया गया था। उसके बाद अब यह आपको शोकेस की गई है। हाँ और एक मजे की बात बता दूं, अगस्त के दूसरे हफ्ते में आपको इस सेल्टस का रिव्यू भी आएगा, तो बने रहिएगा मेरे साथ, सब्सक्राइब करके रहिएगा और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि रिव्यू आपसे मिस हो जाए। किया सेल्टस की लंबाई जो है और चौड़ाई जो उसकी साइज है, उसका असली कॉम्पिटिशन लंबाई चौड़ाई साइज से क्रेटा किक्स और कैप्चर के साथ है। हाँ वो ह्यूज हेक्टर नहीं, वो बिल्कुल नहीं मैच करती, वो काफी बड़ी है। हैरियर वो भी साइज में बहुत ज्यादा बड़ी है, तो फिर इसका असली मुकाबला इन्हीं कारों के साथ में है। अब इंजन की बात की जाए तो हाँ हेक्टर में भी आपको 170 पीएस की पावर देने वाला इंजन मिलता है जो बड़ी साइज का है, और कंपास में भी हैरियर में भी 140 पीएस की पावर देने वाला मिलता है, थोड़ा सा डिट्यून किया हुआ लेकिन 2 लीटर का इंजन है वो भी, क्योंकि इंजन तीनों कारों में इत्तेफाक से सेम ही है। लेकिन इसमें जो इंजन है वह छोटी साइज के हैं, 1.5 लीटर के इंजन है जो डीजल भी है, पेट्रोल भी है और एक टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल है। टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल तो जरूर 140 पीएस की पावर देता है लेकिन एक्सपेंसिव होगा। अब बात करते हैं बाकी जो रेगुलर जो हम सबसे ज्यादा खरीदते हैं, डीजल और नॉर्मल पेट्रोल, तो वह 115 पीएस की पावर वाले हैं, यानी वह भी इन बड़ी कारों के मुकाबले कम है। ऐसे हालात में इसका मुकाबला सिर्फ अपने सेगमेंट की कारों के साथ है, यानी क्रेटा किक्स के साथ ही इसका असली मुकाबला है। लेकिन क्या सल्टस उन पर भारी पड़ेगी? हाँ किक्स में जैसे फर्स्ट इन सेगमेंट अराउंड व्यू कैमरा मिला था, इत्तेफाक से सल्टस में भी आपको मिल रहा है, जहां क्रेटा में आपको सनरूफ मिल रही है और वायरलेस चार्जिंग पैड मिल रहा है, बिल्कुल वैसे ही आपको सल्टस में भी ये दोनों चीजें मिलेंगी। यानी कुल मिलाकर सल्टस को हम हाईली फीचर रिच कार कहते हैं, यानी यह अपने सेगमेंट की शायद सबसे ज्यादा फीचर्स देने वाली कार होगी, और यही वजह है कि लोग फीचर्स की लिस्ट देखकर इसका मुकाबला बड़ी कारों से करने लगते हैं। अब इस कार की प्राइसिंग क्या हो सकती है? हाँ लाख टके का सवाल तो यही है, और प्राइसिंग तो अभी अनाउंस नहीं हुई है, तो क्या कर सकते हैं, कयास लगा सकते हैं। मैं भी लगाता हूँ कि इस कार की कीमत जो मटेरियल वगैरह लगा है कार में उसको देख के लगता है इस कार की कीमत 10 लाख रुपए से स्टार्ट होगी और लगभग 17-18 लाख रुपए तक जाएगी। सीधी सी बात कि यह कार एक्चुअल में प्राइस वाइज भी किक्स और क्रेटा के कंपटीशन की ही कार है। हाँ क्या यह क्रेटा से सस्ती होगी? नो, मैं नहीं एक्सपेक्ट करता, क्योंकि इतने सारे फीचर्स लगाने के बाद किया कभी भी क्रेटा से अपने आप को कमजोर कम कीमत में दिखाना नहीं चाहेगी, वह उसके बराबर तो रहना पसंद करेगी मार्केट कैच करने के लिए कि हम ज्यादा फीचर्स दे रहे हैं और प्राइस भी वही ले रहे हैं केवल, तो चांसेस बनता है, लेकिन यह चांसेस नहीं बनता है कि वह क्रेटा से सस्ती होगी।
क्रेटा का अपडेट आने वाला है, क्योंकि क्रेटा जब से लॉन्च हुई है तब से कोई मेजर अपडेट नहीं मिला है। क्रेटा का अपडेट ड्यू है और ऑटो एक्सपो 2020 में मुझे वह अपडेट देखने को मिलेगा और आपको भी मैं दिखाऊंगा। उससे पहले उसके आने की संभावना काफी कम है। अब आप समझ गए ना कि अगर आपको कोई कार सिलेक्ट करनी है अपने लिए और आप कंफ्यूज थे कि मैं हेक्टर लूं या सेल्टस लूं, तो कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। उम्मीद है कि यह हेक्टर के सेगमेंट की कार ही नहीं है। सेल्टस में बहुत सारे अच्छे फीचर्स हैं। मुझे सीट्स काफ़ी अच्छी लगी। फ्रंट में आपको वेंटिलेटेड सीट्स मिलती हैं और पीछे भी बड़ी अच्छी आरामदायक सीट लग रही है देखने में। इंटीरियर बहुत शानदार है। डैशबोर्ड फ्यूचरिस्टिक लग रहा है। स्टीयरिंग व्हील जीटी की बेजिंग, बॉटम फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। ओवरऑल मैं कह सकता हूँ क्वालिटी वाइज डेफिनेटली सेल्टस क्रेटा और किक्स से सुपीरियर लग रही है। और यही वजह है कि अगर यह क्रेटा और किक्स की प्राइस रेंज में ही रहेगी तो यह उनको डोमिनेट कर सकती है। यह इन्फॉर्मेशन आपको कितने काम की लगी बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। और आपको क्या लगता है कि क्या किया कुछ और भी बड़ा करने की तैयारी में है, वह भी नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा। और अगर किया मोटर्स की और कारों के बारे में रिव्यू देखना चाहते हैं, जैसे कि उनकी फास्ट स्पोर्ट्स कार स्टिंगर जीटी, तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। मैंने उसका भी रिव्यू कर रखा है। ये तो थी हमारी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन किया सेल्टस के बारे में। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक, नहीं आया है डिसलाइक, लेकिन इग्नोर मत कीजिए, प्लीज़ लाइक ही कर दो ना। हाँ, ऐसे ही बेहतरीन वीडियो देखने का मन करता है आपका और आप चाहते हैं आपको एक्यूरेट जानकारी मिले, तो बने रहिए आस्क कार गुरु के साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बगल में दी हुई है नोटिफिकेशन की बेल, उसको दबाना ना भूलिएगा और उसके भी ऑल ऑप्शंस पे जाइएगा, वहां ऑल पे टिक कर दीजिएगा। बस इतना ही। मुलाकात होती रहेगी हमारी और आपकी अगले वीडियो में। देखते रहिए आस्क कार गुरु।